पड़ोसी रोज़ घर आने के बहाने ढूंढेंगे इस मज़ेदार सी रेसिपी को देखने के बाद से। डेफिनेटली आपने ऐसी रेसिपी ना तो पहले कभी खाई होगी और ना ही कभी देखी होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव क्लास सारिका। मैं हूँ सारिका। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड और सोए चंक्स की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। साथ ही रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाली है, तो मैं आपको दो तरीके से इसे बनाना बताऊंगी एंड आई एम श्योर आपको दोनों ही तरीके पसंद आएंगे। चलिए आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो इस बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये सोए चंक्स लिए हैं एक कप के आसपास, और इसको मैंने गर्म पानी में भिगो लिया था, या फिर आप चाहें तो उबाल सकते हैं। इसके साथ ही मैं तीन हरी मिर्च ली थी और इसे भी हम इसके साथ ही इस्तेमाल करेंगे। तो सारे सोयाबीन का हमने पानी निकाल लिया है और एकदम ये देखिए सॉफ्ट हो गए हैं। तो ध्यान रहे पानी ज़रूर निकाल लीजिएगा, बिल्कुल भी इसमें नमी ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। और इसको हम डाल देंगे एक मिक्सर ग्राइंडर जार के अंदर और इसे हमें पीसना होगा। तो थोड़ा सा कोर्सली हमें ग्राइंड करना है, बहुत बारीक नहीं करना है, और इसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो चलिए हरी मिर्च के साथ ही हम इसको कोर्सली ग्राइंड कर लेते हैं। और ये लीजिए हमारा सोया चंक्स अच्छी तरीके से पिस गया है, देख सकते हैं। थोड़ा सा ये दरदरा ही है, इसको मैंने बहुत बारीक नहीं किया है। तो इस मिक्सचर को हम निकाल कर अलग बोल में रख लेते हैं। और अब हमें इस रेसिपी में इस्तेमाल करना है ब्रेड का। तो मैंने यहाँ पर ये ब्राउन ब्रेड का यूज़ किया है, आप वाइट ब्रेड या फिर मल्टीग्रेन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 6 ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे 2 ब्रेड के स्लाइसेस आपको एक साथ रखने, यानी पेयर में लेना है 2, 4, 6, 8, तो अपने हिसाब से आप ब्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पर लिया है मैंने एक बड़ी सी बोल और इसमें डालेंगे आधा कप मैदा। आप यहाँ पर गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको पूरी तरीके से हेल्दी बनाना है तो, लेकिन मैं यहाँ पर आधा कप मैदा डाल रही हूँ, तो आपके ऊपर ऑप्शन है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आधा कप मैदा डाल दिया है मैंने। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद के हिसाब से, तो लगभग 2 पिंच के आसपास नमक डाल दिया है, और आधी छोटी चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। और अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, और एकदम सॉफ्ट और स्मूथ सा डो हमें तैयार करना है। बहुत ज़्यादा गूंथने की ज़रूरत नहीं है इस आटे को, बस हल्का सा बाइंड कर लीजिए। तो डो हमारा बिल्कुल रेडी है, एकदम सॉफ्ट सा। इसको हम ढककर साइड में रख लेते हैं और चलिए बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई गर्म होने रख दी है और इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल, और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल हमारा गर्म हो जाएगा, इसमें मैंने 4 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक को छोटे पीसेस में काट लिया है, और इसे भी हम तेल में डाल देंगे। इन्हें हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस हल्का सा फ्लेवर आ जाए तेल में उतना ही देर ही पकाएंगे, ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा। और अब मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली हैं, जिसमें प्याज, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न और थोड़े से टमाटर लिए हैं। स्वीट कॉर्न को मैंने बॉईल करके लिया है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी सब्जियाँ ले सकते हैं, गोभी, गाजर, बीन्स, जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैंने इन चारों चीज़ों को काट कर लिया है और ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। ये सारी चीज़ें अगर आप कप से नापें तो लगभग आधा आधा कप के आसपास सारी चीज़ें मैंने ली हैं। इनको हम एक साथ डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे, क्योंकि इन सारी सब्जियों को हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस हल्का सा इन्हें सॉफ्ट करना है। मतलब कुल मिला के सब्जियों का जो क्रंचनेस रहता है ना, वो इसमें रहना चाहिए। आप चाहें तो इसमें सिर्फ प्याज और टमाटर डाल के भी बना सकते हैं। तो देख सकते हैं सब्जियां हमारी थोड़ी देर में ही हल्की सॉफ्ट हो चुकी है, क्योंकि हमने इसमें ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल करना है जो थोड़ा सा कच्चा भी रहे, उस तो उसे खाया जा सके। चलिए अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच के आसपास, या फिर आप टेस्ट चेंज करने के लिए मैगी मसाला भी ले सकते हैं। अब डालेंगे आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, और यहाँ पर मैंने लिया है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, वो है सेजवान चटनी। लगभग 1.5 टेबल स्पून के आसपास लिया है मैंने। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप पिज़्ज़ा सॉस ले सकते हैं, या फिर आप टोमेटो केचप से भी बना सकते हैं। चलिए अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। सेजवान चटनी की रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के नीचे लिंक दिया है, जाकर देख सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाइए और धीमी आंच पर हम इन्हें 1-2 मिनट और पका लेंगे। और सब्जियों के पकने के बाद बारी आती है सोए बीन की, जिसको हमने हल्का कोर्सली पीस कर लिया था। तो इन्हें भी हम इसमें डाल देते हैं मिर्च के साथ ही। अब यहाँ पर डालेंगे नमक स्वाद के हिसाब से। तो अगर आपने सोयाबीन के साथ मिर्च नहीं डाली है तो आपको इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डालना होगा, या फिर आप हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद हम इनको अच्छे से मिलाएंगे। तो ध्यान रहे नमक हिसाब से डालिएगा, क्योंकि सेजवान चटनी में भी नमक होता है, इसलिए आपको ध्यान रखते हुए इनको मिलाना होगा। तो यहाँ पर फ्लेम को कम करके मैंने इनको अच्छे से मिला लिया है। थोड़े से हरे धनिया के पत्ते डालेंगे 2 टेबलस्पून, और बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मिक्सचर हमारा काफ़ी ड्राई हो चुका है, तो इसमें हल्का सा गीलापन लाने के लिए हम ऐड करेंगे दूध की मलाई। जो रोज़ाना दूध आते हैं ना, उसकी मलाई ऊपर से निकाल लीजिए और उसे फेंट कर इसके अंदर डालिए, जिससे कि हल्का सा गीला हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बढ़ेगा। इनको गीला करने के लिए आप इसमें पानी बिल्कुल मत डालिएगा, या तो आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं बाज़ार वाली,
और उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा गाइस। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिला ली हैं और ये हल्की सी गीली भी हो गई है। इसको अब निकाल कर प्लेट में रख लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब यहाँ पर जो हमने डो लगा कर रखा था उसको हम थोड़ा सा इस तरीके से मसल कर चिकना कर लेंगे और इसके छोटे छोटे पीसेस तोड़ लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 6 ब्रेड लिए हैं, यानी 3 हमें यहाँ पर ये टुकड़े करने हैं आटे की लोई के। तो 3 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे और इसे हमें गोल बनाना होगा इस तरीके से। और अब हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर एकदम पतली सी बेलनी है इसको, इसलिए आप किसी भी बड़ी चीज़ का यूज़ करें जहाँ आपको बेलना हो। तो थोड़ा सा पतला बेले और थोड़ा बड़ा बेले। तो चलिए इसको बेल लेते हैं। ये देखिए, तो रोटी हमारी बहुत ही बड़ी सी एकदम पतली सी बेल कर मैंने तैयार कर ली है। देख सकते हैं कितना पतला है ये, और साइज़ भी आपको इतना बड़ा रखना है ताकि ब्रेड इसके अंदर कवर हो सके। तो ये हमारा रोटी तैयार है। चलिए इसको हम कैसे बनाना है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर एक ब्रेड के स्लाइस में इसके ऊपर रख रही हूँ और अब हमें डालना है ये मसाला जो हमने सोयाबीन से बनाया है ना, ये डालेंगे। लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा नहीं डालना है, लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच मैं डालूँगी ब्रेड के ऊपर, और इसे हमें अच्छे तरीके से फैलाना होगा। तो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में इसको मिलाइए और बढ़िया से कोने कोने तक कवर कर लीजिए। जितना मोटा ब्रेड का स्लाइस है ना, उतनी ही मोटी लेयर हमें लगानी है, कम नहीं लगाना है, मतलब कंजूसी नहीं करनी है, बढ़िया से लगाइए। ये देखिए, देख सकते हैं कितना थिक है ना। आप चाहें तो आप इसमें चीज़ भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर चीज़ नहीं लगा रही हूँ। और चलिए अब हम इसके ऊपर ब्रेड की दूसरी लेयर लगा देंगे और हल्का सा दबाइए। देन उसके बाद हम इसको ये रोटी वाले से कवर कर लेंगे। अच्छी तरीके से स्ट्रेच करके कवर करिए, इसलिए मैदे से मैंने बनाया है ताकि ये अच्छी तरीके से स्ट्रेच होता है। अगर आप गेहूं के आटे से ये रोटी बना रहे हैं ना, तो वो ईजिली स्ट्रेच नहीं होता और बीच में टूटने लगते हैं। तो मैदे से अगर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बढ़िया से कवर कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर चिपका लीजिए। ये देखिए, तो ये आपका ब्रेड का पार्सल बनकर तैयार है। देख सकते हैं अच्छी तरीके से मैंने इनको चिपका लिया है ताकि ये कुक करते समय खुले नहीं। ये देख सकते हैं, लग रहे हैं ना एकदम बढ़िया। चलिए सारी हम ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेते हैं और उसके बाद हम इन्हें कुक करेंगे। तो कुक करने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है, हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, बहुत ही कम तेल में इसको पकाएंगे। और ये भी हमारे तैयार हो गए, दूसरे वाले भी। तो इसको पकाने के लिए मैंने यहाँ पर एक इस तरीके का पैन लिया है जिसमें 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो नॉर्मली तवे पर भी बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पर 3 टेबलस्पून मैंने तेल डाल दिया है, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें ये अपना ब्रेड वाला पार्सल डाल देंगे। बहुत ही केयरफुली डालिए ताकि तेल उड़े नहीं। और अब हम इसको मीडियम से हाई के बीच में रखकर अच्छी तरीके से सेक लेंगे ताकि चारों तरफ से ये बढ़िया से गोल्डन हो जाए और क्रिस्प हो सके। तो बस एक साइड सिकने के बाद इसको टर्न कर लीजिए, क्योंकि इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, अंदर की सारी चीज़ें कुक रहें, हमें इसको बाहर से ही बढ़िया से गोल्डन और क्रिस्प करना है। और इनके साइड्स भी हम किसी भी चिमटी से पकड़कर इस तरीके से साइड्स भी गोल्डन कर देंगे ताकि ये किसी भी एंगल से कच्चा ना रहे और हर तरह से बढ़िया से गोल्डन और सुनहरा हो जाए। और लीजिए, देख सकते हैं कितने टेस्टी लग रहे हैं ये, देखने में भी मुंह में पानी आ रहा है, एकदम मज़ेदार। सेम इसी ऑयल में हम बाकी के पार्सल भी सेक करके तैयार कर लेंगे और जैसे ही गोल्डन हो जाएगा हम इन्हें निकाल लेंगे। चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ, यानी बिल्कुल बिना तेल के इस रेसिपी को बनाएंगे। उसके लिए मैंने ब्रेड के ऊपर ये बचा हुआ मिक्सचर फिर से लगा दिया है सोयाबीन वाला, और थोड़े पतला लेयर लगाया है। और चाहे तो तवे पर थोड़ा सा बटर लगा लीजिए, या फिर बिना बटर के भी आप इन्हें बना सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़, आप अपने हिसाब से पनीर डाल सकते हैं या फिर अमूल वाली भी कोई चीज़, कोई और चीज़ भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरीके से कवर कर ले रही हूँ मैं चीज़ से। अगर आपको चीज़ नहीं भी डालना है तो भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अब हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। और लीजिए, हमारी ये दोनों रेसिपीज़ बनकर तैयार है। देख सकते हैं कितने मज़ेदार लग रहे हैं खाने के बाद ना, आप इसे बार बार बनाने वाले हैं। इसके सामने पिज़्ज़ा बर्गर भी फेल है, इतनी हेल्दी टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी है। अगर आपको पूरी तरीके से इसे हेल्दी बनाना है तो कम तेल में बनाइए और गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। कैसी लगी रेसिपी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए मैं आपको इन्हें कट करके दिखाती हूँ। देखिए बाहर से कितने क्रिस्प बने हैं ये, और अंदर से उतने ही जूसी, सॉफ्ट, टेस्टी और फ्लेवरफुल। देख सकते हैं कितने मज़ेदार लग रहे हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और एक बार तो ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को।
क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। और लीजिए, हमारा दूसरा वाला ब्रेड भी बढ़िया से सिक गया है। मैंने इसको बिना तेल के अच्छे से सेक लिया है। चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है और नीचे की जो लेयर है ना वो बढ़िया से क्रिस्प हो चुकी है। तो इन्हें भी हम इसी तरीके से छोटे पीसेस में काट लेते हैं, चाहे तो ट्रायंगल में काटें या फिर बीच से इस तरीके से काट लीजिए। थोड़े से चिली फ्लेक्स और ओरिगानो से गार्निश करके इन्हें गर्मा गर्म किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही शानदार लगते हैं, बच्चे बड़े सभी को ये पसंद आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइए। ब्रेड की और ब्रेकफास्ट की अगर आपको नई नई रेसिपीज देखनी है तो मैंने वीडियो के नीचे लिंक दे दिया है, जाकर ज़रूर से ट्राई कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही एक छोटी सी घंटी आएगी, उसे भी दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे कि रोज़ आपको एक नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो इन्जॉय कीजिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को। चलिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।